ये मदर ऑफ पर्ल का इफेक्ट है, ये इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद क्या होगा सर इसके ऊपर? इसके बाद इसके ऊपर क्लियर ग्लोस, एक्रेलिक क्लियर ग्लोस आएगा। एक्रेलिक क्लियर ग्लोस ना? हाँ। वो किस लिए डलता है? एक्रेलिक इसलिए डलता है कि थोड़ा भी कलर चेंज नहीं होता है। अगर नॉर्मल प्यू डालेंगे हम तो कलर चेंज होगा, थोड़ा पील येलो टाइप में जाएगा वो। अच्छा। हाँ, इसलिए इसको ये क्या नाम है, एक्रेलिक क्लियर ग्लोस ही डालना है इसके ऊपर। अच्छा। हाँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल घर पेंटिंग पर। पीयू में एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदर ऑफ पर्ल के डालने की क्या विधि है, उसको किस तरह से डाला जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, ये जानने के लिए हम डालेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम देखेंगे कि एमडीएफ पर सेंडिंग कितने नंबर से होती है, इपॉक्सी कैसे लगता है, इपॉक्सी को लगाने का क्या बेनिफिट होता है, और इपॉक्सी को कितना देर हम सूखने के लिए छोड़ते हैं। देखिए ये एमडीएफ है। अच्छा, अभी हम क्या करने लगे? अभी देखिए एमडीएफ है ये, इस पर हम पहले सेंडिंग करेंगे। सेंडिंग करने के बाद अपोक्सी लगेगी। अच्छा। अपोक्सी लगेगी, अपोक्सी इसलिए लगती है कि इसका जो मॉइस्चर रहता है, तेल और ये सब मॉइस्चर रहता है, वो बाहर नहीं आने पर लगती है। तो ये ऐसे आराम से घिस लेंगे। घिसने के बाद ये 100 नंबर 150 नंबर रेगमाल से घिस लेंगे। हाँ, इसको घिस के साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको अपोक्सी लगाएंगे। हाँ, इपोक्सी लगाने के बाद कुछ टाइम छोड़ देना है, मतलब कम से कम एक घंटा छोड़ देना। हाँ, एक घंटा छोड़ देना। एक घंटे के बाद फिर इसको इपोक्सी सूखने में एक घंटा लेती है। हाँ, एक घंटा लेती है। उसको दूसरा को ये कर उसके ऊपर कोट करना है। हाँ। तो अपोक्सी को एक प्रॉपर सुखा दीजिए। कितना टाइम प्रॉपर सूखने के लिए? कम से कम 3 घंटा चाहिए। अच्छा, 3 घंटे 3 घंटा चाहिए। लेकिन काम अगर किसी का अर्जेंट है, कुछ ऐसा है, तो कम से कम 1 घंटा तो देना ही देना। तो 1 घंटे के बाद उस पर सैंडिंग करके कोट डाल सकते हैं? हाँ, कोट डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम इस पर इपॉक्सी लगाएंगे। हाँ, इपॉक्सी लगा देंगे। इपॉक्सी लगाने के बाद इसको 1 घंटा छोड़ेंगे। फिर 320 से इसको सेंडिंग कर लेंगे अपोक्सी को। अच्छा, 320 से? हाँ, ठीक है। 320 से अपोक्सी सेंडिंग कर लेंगे। सेंडिंग करने के बाद जिसका जो डस्ट है साफ करके उस पर वाइट बेस कोट डाल सकते हैं। वाइट बेस कोट? हाँ, वाइट बेस कोट। हाँ, वाइट बेस कोट डाल लेते हैं। हाँ, पहले तो इपॉक्सी डाल लेते हैं ना इस पर। हाँ, ठीक है। इपॉक्सी को मशीन से लगानी चाहिए या गद्दी से लगाना चाहिए, कौन सा बेटर है? अगर आम मेरे से पूछेंगे तो मैं मशीन से भी लगाते हैं हम लोग और हाथ से भी लगाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से पसंद रहा है कि इपॉक्सी को हमेशा से हम गद्दी से लगाएं, क्योंकि मशीन से लगाने में रिस्क रहता है। रिस्क क्या मतलब, वो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लग जाता है तो वो नुकसानदायक होता है, उसे उतारना भी पड़ सकता है। और अगर गद्दी से हम लगाएंगे तो जो अनट्रेंड पेंटर होगा, जो सीख भी रहा होगा, जो ट्रेनिंग भी होगा, वो भी उसको लगा सकता है। तो गद्दी से लगाने का फ़ायदा ये है। ये अपॉक्सी लग गई है। अपॉक्सी लग गई इस पर? हाँ, ये इस पर अपॉक्सी लग गई है। अब गद्दी से लगाइए मशीन से? ये देखिए, गद्दी से भी लग सकती है, मशीन से भी लग सकती है। अच्छा। हाँ, जहाँ पॉसिबल है गद्दी से लगा दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने का एक तरीका ये है कि भर के नहीं जाना चाहिए। अच्छा। अपॉक्सी, हाँ, हल्का अपॉक्सी पड़ना चाहिए, भर के अपॉक्सी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। और ये हो गया, अभी इसको 1 घंटा छोड़ेंगे। उसके बाद सेंडिंग करेंगे? सेंडिंग कर, हाँ, 320 से सेंडिंग करेंगे। सेंडिंग करने के बाद फिर इस पर बेस कोट डालेंगे। ठीक है, बेस कोट डालेंगे। हाँ, वाइट कलर का या किसी भी कलर? हाँ, वाइट कलर बेसिकली दो ही कलर आता है, ब्लैक और वाइट। वाइट दो ही कलर आता है? दो ही कलर। हाँ, बेस कोट दो ही कलर आता है। तो इसमें कुछ भी करने को, जहाँ ब्लैक करना हो वहाँ ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं ये बेस कोट। इस पर हम वाइट करेंगे? इस पर हम वाइट करेंगे। बहुत सारे पेंटर भाइयों को दिक्कत होती है कि वो बेस कोट नहीं समझ पाते, वो उससे कभी उसको सेलर बोलते हैं, कभी बेस कोट बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेस कोट होता है उसको सेलर भी कहते हैं, और कई जगह उसको प्राइमर भी लोग बोल देते हैं। तो वैसे वो बेस कोट होता है, कंपनी उस पर बेस कोट लिख के देती है। तो अब आप देखेंगे कि बेस कोट को किस तरह से डाला जाता है, उसको उसके कितने कोट होने चाहिए, और उसको सूखने के लिए कितना टाइम होना चाहिए फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट के बीच में। अच्छा, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बेस कोट, वाइट बेस कोट डाल लिया हमने। हाँ, कितने कोट डाला आपने? ये 2 कोट डल गया है। अच्छा। और पहला कोट डालेंगे? हाँ। तो पहला कोट डाल के, पहले एक कोट का मतलब होता है एक क्रिस क्रॉस। अच्छा। क्रिस क्रॉस होता है, समझ रहे हैं ना, क्रिस क्रॉस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाँ। अच्छा,
इसको आप समझा दीजिए फिर भी क्रिस क्रॉस। फिर क्रिस क्रॉस मतलब होता है एक दाहिने से बाएं होता है और फिर एक ऊपर से नीचे। अच्छा, वो क्रिस क्रॉस एक एक कोट होता है। एक कोट हो गया। वो ये उसको सूखने के लिए कम से कम 3 घंटा छोड़ना है। ठीक है, 3 घंटा के बाद दूसरा कोट डालना है। ठीक है, दूसरा कोट डालने के बाद पहला कोट 220 से सेंडिंग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या नाम है, दूसरा कोट जब करेंगे, दूसरा कोट के लिए 320 से सेंडिंग करेंगे, उसके बाद हल्का 600 नंबर, हाँ हल्का हाथ से उसको घुमा पेपर के सेंडिंग कर लेंगे। 600 इसलिए लगता है कि 320 का जो निशान है निशान है वो चला जाए। राइट, ठीक है। हाँ, अब ये सेकंड कोट के बाद हमने 600 भी लगा लिया। हाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके ऊपर हम लोग एक मैट का एक कलर डालेंगे, टॉप कोट डालेंगे। अच्छा, मैट का ना। हाँ, आगे आप देखेंगे कि टॉप कोट को कैसे डालना है, उस पर ग्लोव्स डालना है कि मैट डालना है। जैसे कोई भी इफेक्ट आप अगर करने लगते हैं तो वो डिपेंड करता है, ज़्यादातर तो मैट पे ही डालते हैं सारे जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो इसको भी हम मैट के ऊपर डालेंगे, मैट हम टॉप कोट डालेंगे एक, उसके बाद उस तो को किस तरह से मदर ऑफ पर्ल को किस तरह से डालना है, उसका क्या तरीका है, ये आप देखेंगे। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी उसमें गलती करी तो उसमें मदर ऑफ पर्ल का जो इफेक्ट है वो ख़राब होने का बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। एक ही बार में साथ के साथ आपको डालना है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी गलती करा तो वो उसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट हो जाएगा और वो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। अभी हमने इस पे टॉप कोट डाल लिया, टॉप कोट डाल लिया मैट का, एक मैट का टॉप कोट हो गया जी। अब इसको सेंडिंग कर लेंगे 400 या 600 से। अच्छा ठीक, 400 या 600 से सेंडिंग करके इस पे हम डालेंगे अब मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल जो इफेक्ट हम आज दिखाना चाह रहे हैं वो इफेक्ट इसके ऊपर डालने, इसके ऊपर डालने हैं। देखिए इस पे मतलब किसी भी कलर में हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं, लेकिन इसको क्या प्रॉपर एक साथ स्प्रे करने का सबसे बड़ा ये रहता है। मतलब कैसे? मतलब एक फुहार के ऊपर दूसरा फुहार ना जाए। अच्छा, हाँ मदर ऑफ पर्ल की बात कर रहे हैं। हाँ, मदर ऑफ पर्ल की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक फुहार के ऊपर दूसरा फुहार ना जाए, नहीं तो कहीं छोटा कहीं बड़ा, और नहीं तो कहीं कलर कम और कहीं ज़्यादा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो चलिए डालते हैं। अब आप देखेंगे कि मटेरियल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जो हमने टॉप कोट लगाया है मैट फिनिश में, उसको अब हम डालने लगे, उसके ऊपर अब हम डालने लगे हैं मदर ऑफ पर्ल का इफेक्ट, उसका मटेरियल। तो मटेरियल कैसे डाला जाता है आप ये अब देखेंगे। मदर ऑफ पर्ल को डालने के लिए यानी पीयू पॉलिश का जो ये इफेक्ट है, स्पेशल इफेक्ट है मदर ऑफ पर्ल, इसको डालने के लिए जो मशीन, स्प्रे मशीन की सेटिंग है, स्प्रे गन की जो सेटिंग है वो कैसे करेंगे ये भी आप देखेंगे। पीयू पॉलिश का स्पेशल इफेक्ट डालने के बाद जो मदर ऑफ पर्ल, इसके बाद जब ये डाल के हम आपको दिखा देंगे तो उसके बाद हम दिखाएंगे फिर से कि किस तरह से गन का स्प्रे आपको रखना है, एक कोटिंग के बाद फिर किस तरह से धीरे धीरे उसको डालना है, किस तरह से मशीन को चलाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इस पीयू पॉलिश के इफेक्ट में यानी मदर ऑफ पर्ल में जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसको अगर आप जानना चाहते हैं, उसको आप उसके बारे में डिटेल चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसमें वो दूसरे चैनल का लिंक है जिस पे हम मटेरियल की जानकारी देते हैं। आप वहाँ पर जाके उसकी इस मदर ऑफ पर्ल के जो मटेरियल है, मदर ऑफ पर्ल का जो मटेरियल है, इसकी सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपका वहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, और यहाँ इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को अपने ऑफिस में या घर में या कहीं पर भी कोई काम कराना है, काम की क्वांटिटी अगर ठीक ठाक है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, वो तो बात है। देखिए ये मदर ऑफ पर्ल है जो इसमें डाला है, इसमें तैयार किया है, कैसे तैयार किया है वीडियो के एंड में हम बताएंगे। ठीक है, अब इसको करिए आप। एक मटेरियल ले लिया मैं, मटेरियल लेने के बाद एक चीज़ ये ध्यान रखना है जी। ये पैनल के ऊपर बराबर डलने के बाद इसी मटेरियल को बूंद बना के गिराना है, और ये फिर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो अब हम इसको स्प्रे करने जा रहे हैं। देखिए गन की एक बार सेटिंग बता दीजिए, इसमें गन की सेटिंग कैसे कर लेंगे? गन की सेटिंग, ये गन का ये फुहार सही कर लेना है। हाँ, एकदम पतला फुहार होना चाहिए। ये यहाँ से मटेरियल कितना डालना है, कितना लेने वाला वो होता है, यहाँ से गन की ये अब एयर कंट्रोल करना है। अच्छा, तो इसमें कैसे कितना खोलना है एयर? पहले तो जो नॉर्मल स्प्रे करते हैं वो कर लेंगे, और फिर ये क्या नाम है, ऐसे करके ये नॉर्मल करके ये बूंद गिराना है इसके ऊपर। अच्छा, ये बूंद गिरेगी? हाँ, ऐसे ही बूंद गिरेगी इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए।
अच्छा, तुरंत स्प्रे करने के बाद ही करना है ये? स्प्रे करने के बाद उसी मटेरियल को इसके ऊपर गिरा देना है। ये हो गया मदर ऑफ पर्ल, हो गया मदर ऑफ पर्ल। एक बार जरा साइड में को करके गिरा दीजिए ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा। ये पहले समझा दीजिए, पहले तो ये ऐसे नॉर्मल स्प्रे हो रहा है, ऐसे कीजिए ताकि नजर आए ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये नॉर्मल स्प्रे करने के लिए करते हैं। हाँ। और फिर इसको यहाँ से एयर कंट्रोल करेंगे। हाँ। फिर आपकी बूंद गिरेगी ये। ये देखिए, उसी मटेरियल को इसे बूंद बना के गिरा देंगे। इस तरह से ये बूंद गिरेगी। हाँ, ये बूंद गिरेगी। जो मटेरियल बनाए हैं हम लोग वही मटेरियल, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप लोग, ये मदर ऑफ पर्ल का इफेक्ट है, ये इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद क्या होगा सर इसके ऊपर? इसके बाद इसके ऊपर क्लियर ग्लोस, एक्रेलिक क्लियर ग्लोस आएगा। एक्रेलिक क्लियर ग्लोस ना? हाँ। वो किस लिए डलता है? एक्रेलिक इसलिए डलता है कि थोड़ा भी कलर चेंज नहीं होता है। अगर नॉर्मल प्यू डालेंगे हम तो कलर चेंज होगा, थोड़ा पील येलो टाइप में जाएगा वो। अच्छा। हाँ, इसलिए इसको ये क्या नाम है, एक्रेलिक क्लियर ग्लोस ही डालना है इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मटेरियल की सारी जानकारी आपको उसी चैनल पर मिलेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मटेरियल की जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को देखने में भी आलस आएगा। तो बेटर ये है कि आप उस चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे मटेरियल से रिलेटेड, वहाँ पर वीडियो आएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर उसको वीडियो मतलब मटेरियल से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप इफेक्ट करना या पी यू पॉलिश करना या कोई भी पॉलिश करना तो यहाँ इस चैनल पर सीख लेंगे और उस चैनल पर जाके आपको मटेरियल की जानकारी हो जाएगी, उसमें आपको आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।